हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है बेसिक ग्रामर का साइलेंट लेटर। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि एक्चुअली मैं ये पढ़ाने क्या जा रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि सर, इंग्लिश को पढ़ने के समय सबसे अधिक प्रॉब्लम जो होता है वो होता है प्रोनंसिएशन का मतलब उच्चारण। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पहले आप लोगों को कि सी का डिफरेंट उच्चारण क्या होगा। इसी क्रम में आज हमने बताया है, पढ़ाने जा रहे हैं आज साइलेंट लेटर के बारे में। टोटल अल्फाबेट जो आप जानते हैं 26 लेटर होता है, उसमें से बहुत सारे वैसे लेटर होते हैं जो किसी भी शब्द में यूज होने के क्रम में वो उनका प्लेस जहां रहता है वो वहां पे उच्चारण तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, यानी वो साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो साइलेंट हो जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसे बहुत बारीकी से देखने और पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्ट लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमारा यही फेज है। क्योंकि जब तक हमें उच्चारण करने बेहतर ढंग से नहीं आएगा, हमारे अंदर इंग्लिश पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। तो आइए, इंग्लिश को एक नए तरीके से सीखने के लिए, नए तरीके से पढ़ने के लिए आज हम बेसिक का भी बेसिक ग्रामर के अंतर्गत साइलेंट लेटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये वीडियो पहले पार्ट के लिए होगा और इसके बाद इसका अगला पार्ट आएगा। तो आज पहले पार्ट में आपको हम कौन कौन से लेटर साइलेंट वर्ड होता है, कौन कौन से लेटर साइलेंट रहता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये साइलेंट लेटर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं के एल, एम, है ना। अब जैसे ये एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए, के एल एन बी डी, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है के एल एन बी डी, और एक और हम लिखते हैं इसमें पी लेटर के बारे में। मैं यहां के हो गया, एल हो गया, एन हो गया, बी हो गया, डी हो गया, पी हो गया। ये 6 लेटर के हमने लिया है अभी आपको। इसको मैं टाइप वन कर दूं, ठीक रहेगा समझने में। ये टाइप वन के अंतर्गत हमने जो 6 लेटर लिया है, ये 6 लेटर जो साइलेंट रहता है जब इसका इस्तेमाल किसी शब्द में करेंगे तो हम पूरे लॉजिक के साथ पढ़ते हैं कि आखिर साइलेंट क्यों रहता है, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं के साइलेंट के बारे में। के साइलेंट यानी यहां के साइलेंट जो है वो साइलेंट कब रहता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, मान लिया जाए उच्चारण करने में आप पढ़ते हैं नाइफ या पढ़ते हैं नॉलेज, तो जब नाइफ और नॉलेज पढ़ते हैं तो वहां पे के साइलेंट हो जाता है। अब क्यों होता है, तो लॉजिक क्या हो गया, जब के का प्रयोग एन से पहले हो तो वहां के क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, इसे हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। जैसे नो, अक्सर ये सब बच्चे जो जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो अक्सर ये सब शब्द का इस्तेमाल प्रोनाउंस करने में उन्हें काफी दिक्कत महसूस होती है। जैसे वह मुझे जानता है, तो ही नोज मी। अब यहां पे कई लोग बोलते हैं ही कनोज मी, कनोज नहीं, दिस इज नोज। यानी के यहां क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि के का प्रयोग एन से पहले किया गया है। जब के का प्रयोग एन से पहले किया जाएगा तो वहां के क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। जैसे नो, नॉलेज भी के से पहले आया है तो वहां भी क्या है, वो साइलेंट है। तो इस तरीके से इसका लॉजिक होता है कि जब भी के का प्रयोग एन से पहले होगा तो वहां पे के साइलेंट रहेगा। ये था के का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है एल का कॉन्सेप्ट, एल साइलेंट। अब ये एल साइलेंट कब होगा, आइए देखते हैं हम लोग। जब एल का प्रयोग एम एफ के, देखिए ध्यान से, अब हमें जब यहां लिखा है कि जब एल का प्रयोग एम एफ के तथा डी से पहले हो,
तथा डी से पहले हो। ध्यान दीजिए यहां पे एम एफ के और डी से पहले होगा तब वहां एल साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहले एम का एग्जाम्पल लेता हूं, ए एल एम ओ एन डी, जिसको आप हिंदी में बादाम बोलते हैं, बादाम। तो ये आलमंड इसको लोग नहीं पढ़ते हैं, ये आमंड होता है, लेकिन जिन्हें पढ़ने नहीं आती है, जिन्हें उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग ऐसा पढ़ देते हैं। तो लॉजिक क्या हो गया कि एल साइलेंट तब रहेगा जब एल का प्रयोग एम एफ के और डी से पहले होगा, तो वैसे कंडीशन में हम एल को साइलेंट लिखेंगे या साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आमंड हो गया, फिर एफ के बारे में बात करते हैं, सी ए एल एफ, दिस इज नॉट काफ, दिस इज काफ, काफ दिस इज हाफ, है ना, हाफ। अब ये हाफ का पुलरा जब हाफ्स बनता है तो वहां हाफ्स नहीं होता है, वो भी हाफ्स ही होता है, एच ए वी ई एस, सॉरी एच ए एल वी ई एस, क्योंकि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, है ना, कि F का प्लुरल बनाने के लिए जिस क्लास में F आता है, F को हटाकर VES जोड़ते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है, आप बोलिए सर यहाँ तो F नहीं आया है, यहाँ तो M नहीं आया है, यहाँ तो K नहीं आया है, यहाँ D भी नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे साइलेंट क्यों है? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो इससे रिलेटेड है कि जब हाफ था यहाँ दिया हुआ, तो आपने हाफ का जो प्लुरल बनाया वो F को हटाकर VES जोड़ दिया, तो वहां भी हाफ्स नहीं पढ़ेंगे, वहां भी हम लोग हाफ्स ही पढ़ेंगे, हाफ्स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आइए देखते हैं के बारे में। जैसे मान लिया जाए, ये तो हो गया यहां पर, अब के पहले एल आएगा, के पहले एल, जैसे ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक होता है लोगों के साथ, जैसे बोलता है ही इज वॉकिंग, दिस इज नॉट वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग, दिस इज नॉट टॉक, टॉक नहीं पढ़ेंगे इसको, टॉक, चौक, सी एच ए एल के, चौक, है ना। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो अक्सर लोग गलत करते हैं, तो आपको इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है। जितना बेहतर उच्चारण करेंगे आपकी चीजें उतनी ही बेहतर होते जाएगी। अब यहां डी के बारे में बात किया गया है, डी, अब डी से पहले जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप लोग आप पढ़ते हैं एस एच ओ यू एल डी, दिस इज नॉट शुड, दिस इज शुड, शुड, W O U L D, इसको उल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको उड पढ़ेंगे, उड, है ना, शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट उड, दिस इज नॉट उल्ड। तो लॉजिक यही था कि L साइलेंट तब रहेगा जब L का प्रयोग M F K और D से पहले होना चाहिए, ये इसका लॉजिक था। तो दो रूल इसमें ये हो गया, यानी K और L के बारे में हमने अभी बात कर दिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हम लोग। चलिए ठीक है, तो हमने अभी के और एल के बारे में पढ़ लिया, आगे देखते हैं एन के बारे में, एन साइलेंट। अब ये एन साइलेंट कब होगा, इसका ही बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब एन का प्रयोग M के बाद हो, जब N का प्रयोग M के बाद हो, तो N का प्रयोग जब M के बाद होगा तो वहां पे N साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल C O L U M N, ये एग्जाम्पल जब हम पढ़ा रहे थे आपको, इससे पहला जो C का प्रोनाउंसिएशन वाला टर्म, तो वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इसको शा नहीं बल्कि का पढ़ते हैं, वो लॉजिक वहां था, बट यहां पे M के बाद N आया है तो ये भी यहां एम साइलेंट रहेगा, दिस इज नॉट कॉलमन, दिस इज कॉलम, इसको हम कॉलम पढ़ते हैं, लास्ट में ना का उच्चारण यहां पे आप नहीं करेंगे क्योंकि एम के बाद आया है। सेम एज इस ऑटम, है ना, जैसे हम बोलते हैं डैम श्योर, दिस इज नॉट डायमन श्योर, डायमन नहीं पढ़ेंगे, डैम, डैम, यानी यहां पे ये जो पढ़ेंगे हम लोग ये डैम श्योर, यहां ना का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, है ना, डैम श्योर होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब ऐसे कंडीशन में कि M के बाद N आया है तो वहां पे N साइलेंट रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद B साइलेंट, B साइलेंट, अब ये B साइलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये भी देख लेते हैं। देखिए B साइलेंट के कंडीशन में आप कुछ कॉमन शब्द का जब यूज करते हैं तो वहां पे
अक्सर आप बोलने में फंस जाते होंगे। जैसे हम देखते हैं जब बी का प्रयोग एम के बाद तथा टी से पहले हो। जब बी का प्रयोग एम के बाद तथा टी से पहले, एम के बाद तथा टी से पहले, ऐसा हम कह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एम के बाद और टी से पहले, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो लॉजिक के साथ पढ़ेंगे और तब चीजें हमेशा के लिए आपको आपके दिमाग फिट हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे सी ओ एम बी, है ना, दिस इज नॉट कॉम, दिस इज कॉम, यानी बी को आप साइलेंट पढ़ेंगे क्योंकि एम के बाद आया है। बॉम्ब नहीं बोलते हैं बॉम्ब, है ना, लैम्प नहीं बोलते हैं लैम्प, लैम्प, यानी बी वहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है। दिस इज नॉट डम्ब, दिस इज डम्ब, डम्ब, ठीक है। उसके बाद टी वाला बात, ये तो अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं इसको, डी ई बी टी, इसको लोग पढ़ते हैं कि डेट, डेबट है दिया हुआ, बट ये डेट है। यहाँ पे टी के पहले भी आया है तो आप बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यानी कि वो चीज साइलेंट रह जाएगा। तो डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। फिर उसके बाद डी ओ यू बी टी, दिस इज नॉट डाउट, दिस इज डाउट, डाउट, यानी यहां भी बी साइलेंट रहेगा और डाउट का मतलब होता है संदेह। डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह, डाउट। तो ये ऐसा टर्म है कि जब एम के बाद, एम के बाद और टी से पहले, एम के बाद और टी से पहले, एम के बाद और किससे पहले, टी से पहले, जब बी रहेगा तो वहां पे बी को क्या पढ़ेंगे आप, साइलेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये चीजें आपको लॉजिक के साथ मिल जाएगा। और ये वीडियो जो है, मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग भी देख सकते हैं क्योंकि उन्हें भी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यानी अभी हमने आपको एन के बारे में और बी के बारे में बताया है, ठीक है, चलिए ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी आपने पढ़ा के बारे में, यानी के साइलेंट, और फिर उसके बाद एल साइलेंट। तो के साइलेंट के पीछे जो लॉजिक था मेनली वो क्या था, जैसे नॉलेज पढ़ रहे थे तो एम के पहले आया था के, एल साइलेंट कंडीशन में पढ़ा कि एम के पहले होना चाहिए उसका यूज, डी के पहले होना चाहिए, एफ के पहले होना चाहिए, के पहले होना चाहिए। एम के बारे में पढ़ा कि एम के बाद होना चाहिए, बी के बारे में आपने पढ़ा कि या तो एम के बाद होना चाहिए या डी के, टी के पहले होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डी साइलेंट। अभी आपको जब हम पढ़ा रहे थे के साइलेंट के बारे में, तो हाँ आपने देखा कि के का यूज जो है वो एन से पहले था, जैसे नॉलेज, नो, नाइफ, है ना। तो नॉलेज वाले में अगर मैं एग्जांपल लिखूं नॉलेज का, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज, तो यहां तो एन के पहले के आया है तो के तो साइलेंट है ही, साथ ही साथ यहां पे नॉलेज में जी के पहले डी आ गया है, जी के पहले डी आ गया है, इसको नॉलेजस डज, यानी डी और जी ई ऐसा नहीं पढ़ते हैं, यहां पे डी को हम साइलेंट छोड़ देते हैं। अब ये जो डी साइलेंट हो रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो भाई लॉजिक दिख रहा है साफ साफ, जब डी का प्रयोग जी से पहले हो, जब डी का प्रयोग जी से पहले हो तो वहां पे डी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल सामने आपके है, बी यू डी जी टी बजट, ई डी जी ई एज, है ना, ऐसा ये होता है। अब देखिए यहां पे एक चीज और डाउट है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको डी साइलेंट के बारे में कि डी का प्रयोग जब जी से पहले होगा तो वहां पे डी साइलेंट होगा, ये सारा जो एग्जांपल वही है। इस एज, एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब किनारा। यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सर आप यहां पे जो बार बार जी आया है, यहां भी जी आया है, ये तीनों जगह जी का प्रोनाउंसिएशन जो आप कर रहे हैं वो ग नहीं कर रहे हैं, ज कर रहे हैं। जैसे नॉलेज नहीं, नॉलेज, यहां पे हमने ज पढ़ा है, नॉलेज, है ना, नॉलेज, नॉलेज, इसको भी हमने बजट पढ़ा, बजट, बजट, इसको भी हमने एज पढ़ा, एज, ई डी जी ई जो दिया हुआ है ये एज हमने पढ़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऐसा हम पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये टर्म जो होता है कि जी के पहले जब डी आया तो वहां पे